क्या हाल है? क्यों ना करें कि हम बैठते हैं, चक्कर लगाते हैं और इसके बारे में बात करते हैं, है ना? चलो। तो शहीर, आपका सवाल था कि ये जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट हैं, ये इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर, सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर ग्रैंड मॉस्क का, तो ये कंप्लीट कब होगा और वेन वी बी एबल टू प्रे देयर, हम नमाज कब पढ़ सकेंगे? यार अपेरेंटली तो आउटर स्ट्रक्चर पूरा रेडी है, मार्बल का काम पूरा हो गया है, जो अब फिनिशेज हैं दरवाजे और इन पे भी काम होने लग गया है, ग्रीनरी पूरी उन्होंने इंटैक्ट कर दी है, बिल्कुल फिनिश इसका काम चल रहा है, मुझे मार्बल का काम कहीं पे भी बचा हुआ नजर नहीं आता। इंटरनल स्ट्रक्चर रह गया है, वो भी एक प्लेन मैदान है जो एंड पे, सबसे एंड में ये जिसे एग्जिट करेंगे, पैरागॉन बना रहा है ये स्ट्रक्चर और दे आर डूइंग अ मार्वलस जॉब। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स हमारे पूरे पाकिस्तान का, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पूरी दुनिया में भी पूरी दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है, और ये पूरी दुनिया के लिए भी एक बहुत मार्वलस मज़ेदार स्ट्रक्चर बनेगा और काउंटेबल होगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द, मेरा ख्याल है कोई साल अभी भी लग जाएगा, क्योंकि देखने में हम तो ऐसे करके गुजर जाते हैं ना, यार मस्जिद तैयार नहीं हो रही, लेकिन बड़ा काम है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उसको तो इसकी तो सिर्फ सफाई करते हुए 2 महीने लग जाएंगे, तो इसलिए जिस स्पीड से काम हो रहा है मुझे उम्मीद है कि साल के अंदर, तकरीबन साल से 1.5 साल में हम यहाँ नमाज पढ़ सकेंगे। 8 लाख नमाजियों की जगह है और इंशाल्लाह अल्लाह मुबारक करे। ये वो वाहिद स्ट्रक्चर है जिसका नाम मलिक साहब ने अपने नाम पे रखा है, इसका नाम मस्जिद रियाज रख दिया गया है, और मैं कहता हूँ चलो अल्लाह का शुक्र है इस भाई ने, सादे वाले भाई ने कुछ अपने नाम पे भी रखा है, तो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रक्चर, ठीक है जी। और अब बात रह गई स्टेडियम की, स्टेडियम मुझे कोई 2.5-3 साल से पहले कंप्लीट हो नज़र नहीं आ रहा। स्टेडियम में ग्रे स्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, ग्रे स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ होती है जो सबसे आसानी से सबसे जल्दी बिल्ड हो जाता है, उस पर भी काम शुरू है, कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग किस्म का काम नहीं हो रहा कि जी हमें दिनों में या महीनों में कुछ चेंजेस अपेरेंट नज़र आए, ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरा ख्याल है 2-3 साल आराम से लग जाएंगे स्टेडियम को कंप्लीट होने में। और जहाँ तक रही मैचेस की बात, तो आप अभी तक टीवी पे ही देखें मैचेस आप उसका कोई खास इंतज़ार ना करें, और आप डिसार्ट होंगे जब हो जाएगा ऑन, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह बरकत डालेगा, देखेंगे। हाँ, उस स्टेडियम की वजह से उसके इर्द गिर्द की सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएंगी, बहुत ज़्यादा ऊपर। आप देखिए उसके सामने बिल्कुल एक छोटा सा मुन्नू सा इन कंपैरिजन एक स्ट्रक्चर है जिसको एफिल टावर कहते हैं, एफिल टावर का रेप्लिका, उस अकेले की वजह से कितना इम्पैक्ट आया है उस सराउंडिंग पे, तो स्टेडियम ने तो फटे चुक देने हैं, तो उस सराउंडिंग में इन्वेस्टमेंट करें, हमसे रब्ता करें, हम आपको अच्छी खूबसूरत चीज़ें निकाल भी देंगे, और अगर आपकी हैं तो मार्केट रेट पर बेच भी देंगे, और व्यवस्था रहें शजर से, बहुत मज़ा आने वाला है। तो इन्हीं 2 मोन्यूमेंट्स की बात करनी थी या कुछ और भी पूछना था आपने? बस यही जो आइकॉनिक स्ट्रक्चर है बड़े जो। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर है वो सामने देखें, वो एक 7-स्टार होटल हयात रेजेंसी गोल्फ के अंदर बनना है, इसका भी ग्रे स्ट्रक्चर रसद राज हो गया खड़ा है, इस पर फिनिश का काम नहीं हो रहा, ये भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इस सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, इसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो कोशिश करेंगे अंदर जाके, बल्कि छत तक जाके ठीक बनाए, ठीक है। ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया मैं उम्मीद करता हूँ, और अब लेकिन हमारा सफर खत्म नहीं हुआ, अगली वीडियो की तैयारी करते हैं, ठीक है।